केरल में कम्युनिस्टों के राज में हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी गई हैं। जानवरों पक्षियों के प्रति ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट गुंडे अपनी बर्बरता के आगे इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं समझते। केरल में मार्क्सवादियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा चुकी है। इन हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। इन सबके बीच केरल के अलप्पुझा जिले से एक हैरान और चिंता में डालने वाली खबर मिली है जो कम्युनिस्ट गुंडों की हैवानियत एक बार फिर से उजागर करती है। इन कम्युनिस्ट गुंडों ने 11 साल के एक बच्चे क्रिस्टी देवस्या के 25 पालतू कबूतरों को क्रूरता से मार डाला। मार्क्सवादी गुंडे आए और एक एक कर सबके पंख नोचे, गर्दनें मरोड़ कर उन्हें मार डाला। कसूर उस बच्चे का ही नहीं बल्कि उसके परिवार का ये था कि कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने में जुटी सेवा भारती के ईश्वरीय कार्य में उन्होंने सहायता की थी। उस बच्चे और उसके परिवार ने कोरोना मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने में अपनी मदद दी थी। बस यही बात कम्युनिस्ट गुंडों को नागवर गुजरी और वो झुंड बनाकर आए और परिवार को सबक सिखाने के लिए उस बच्चे के पालतू कबूतरों को मार डाला। ये घटना केरल के आलाप्पुझा जिले की है। बच्चे के परिवार ने चेरथला के मारुथोर वट्टम इलाके में कोरोना मरीजों को खाना उपलब्ध कराने के लिए मदद में जुटे हिंदू संगठन सेवा भारती का सहयोग किया था। इसी कारण इन गुंडों ने देवस्या और उसके परिवार के साथ ऐसी हरकत की थी। पता ये भी चला है कि देवस्या के पिता बेनी पहले कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन पार्टी के कुछ सदस्यों के साथ मतभेद होने पर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और पार्टी के क्रियाकलापों से दूर रहने लगे थे। इसलिए स्थानीय लोगों को अंदाजा है कि उस वजह से भी कम्युनिस्ट तत्व बेनी और उनके परिवार से नाराज थे। कबूतरों की हत्या के मामले के भी पुलिस में शिकायत दर्ज न कराने का उनका फैसला इसी भय से है कि कहीं आने वाले दिनों में माकपा के गुंडे उनकी जान के लिए खतरा न बन जाएं। इस घटना का पता चलते ही स्थानीय बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बेनी से मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने वहां घटना पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही परिवार को हर तरह की सहायता का भी भरोसा दिया। उल्लेखनीय है कि कोरोना मरीजों की सेवा में सेवा भारती ने हजारों पीड़ितों को ऑक्सीजन, भोजन और दवाएं उपलब्ध कराई हैं, भोजन के पैकेट बांटे, बड़े पैमाने पर मास्क बनाकर बांटे, लेकिन केरल में कम्युनिस्टों को हर उस बात से चिढ़ है जो संघ या भाजपा से जुड़ी हो। अगर कोई सेवा भारती की मदद भी कर रहा होता है तो कम्युनिस्ट गुंडे उन्हें भी नहीं छोड़ते। केरल में कम्युनिस्ट इस समय किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं ये जग जाहिर है।